पांच दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन व्यापारियों को अपना व्यापार कर पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही नया बही खाते बनाने की तैयारी भी इसी दिन करते हैं। कई राज्यों में गोवर्धन पूजा पड़ेवा के नाम से भी जाना जाता है और दुकान से लेकर कारखानों तक इस दिन बंद रहते हैं। ऐसे में भक्तों का ये सवाल है कि क्या गोवर्धन पूजा के दिन पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन पढ़ाई लिखाई बंद रखनी चाहिए, साथ ही इस दिन पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाना चाहिए। बही खाते से लेकर कॉपी किताब तक की पूजा करना इस दिन शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके स्कूल में किसी तरह की परीक्षा है तो इस दिन आपको पढ़ाई लिखाई जरूर करनी होगी, इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के महत्व की बात की जाए तो गोवर्धन पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी। लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश भी दिया था। ये दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था, तभी से इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान को सभी तरह की मौसमी सब्जियों से तैयार अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।